बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी हूँ और मेरे साथ फयाज़ राजा साहब मौजूद है। बात करेंगे राजा साहब से पीडीएम जो कि कल जलसा करने जा रही है मुल्तान में, कासिम बाग में। पंडाल आज सजाया गया और ज़बरदस्ती सजाया गया और हुकूमत भी बज़िद है कि मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को वहाँ पर मुल्तान में जलसा नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। राजा साहब से बात करेंगे। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमें ये बताइए मुल्तान में आज क्या चलता रहा? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले देखना हमें पड़ेगा कि पहले फेज़ के अंदर जब पीडीएम ने अपने जलसे किए तो कितने लोग उनके अंदर आए। अच्छी तादाद थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अपोजिशन को मोमेंटम नहीं बना पाई। फिर उन्होंने इसको रीविज़िट किया, हुकूमत को भी अपनी पॉलिसी को रीविज़िट करना चाहिए था। अभी जो हमारी ज़राए से बात हुई है, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है, वो ये है कि इस दफ़ा पीडीएम ने यह सोचा था कि जलसा हो सके या ना हो, लोग आए ना आए, मीडिया में रहना है। तो मीडिया में रहने के लिए उन्होंने आज कोशिश की। 1000 के करीब जो उनके लोग थे उन्होंने वो निकले सड़कों के ऊपर पीडीएम की, हालांकि 11 जमातें। लेकिन इसमें कसूर हुकूमत करनी है तो मीडिया में। हाँ बिल्कुल, मैं वही आपसे बात करूंगा कि हुकूमत की ये जो पॉलिसी थी इस मरतबा थोड़ी डिफरेंट नजर आई। और हुकूमत ने पहले तो ओपन बिल्कुल रखा होता कि ठीक है, अब दिल से जुलूस करें। पेशावर में भी उन्होंने बाद में फिर इजाजत दे दी, लेकिन अब भी बेसिकली इशूज ये था कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान को, जैसे इमरान खान को पहुँचाई गई हैं, उन्हें मौसूल हुई हैं एनसीओसी की जानिब से भी और बाकी कुछ इदारों की जानिब से भी कि कोरोना की जो शर्रा है वो बास शहरों के अंदर जो है वो हर 100 में से 20 लोगों के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और मुल्तान और दीगर शहरों के मुतालिक भी ये कहा गया कि ये बड़े जो 8-10 शहर ज़्यादा मुतासर हैं वो हैं। तो हुकूमत की उस वाले से अपनी एक पॉलिसी थी, उन्होंने सोच के रखा कि इससे कोरोना जो है वो फैल सकता है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हुकूमत अगर चाहती तो उसको उसके थोड़ा बेहतर तरीके से भी डील कर सकती थी कि अगर उन्हें इजाज़त दे दी जाती सोशल मीडिया के ऊपर। और वैसे भी ओवरऑल पीडीएम के खिलाफ अभी एक माहौल सिर्फ इस वजह से बन गया है, डॉन ने एक एडिटोरियल भी लिख दिया जिसमें उसने ये कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो स्टेक्स पे लगा रही हैं जो लोगों को। तो मेरा ख्याल है हुकूमत अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से खेलती तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अभी तक ये है कि अपोजिशन मीडिया में जगह हासिल करने में खैर वो कामयाब हो गए। आज जब मुल्तान में हुआ क्या, मुल्तान में ये हुआ कि सड़कों के ऊपर वो आ गए, पुलिस ने जो था वो उन्होंने ऊपर से, क्योंकि ऑर्डर्स थे कि उन्हें रोकना नहीं है उस तरह से, उन्हें जाने दें। आपने किसी उस वक्त शायद हुकूमत ये सोच रही थी कि रोकेंगे तो शायद मीडिया के ऊपर कोई कवरेज या स्कम की कोई चीज़ मिल जाएगी। और दिन तक ये था कि किसी शख्स को गिरफ्तार भी नहीं करना। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इतलात वहाँ से आई हैं वो ये कि अली हैदर गिलानी को तो छोड़ दिया गया था, जिनके ऊपर एक और केस था इससे पहले, साबिक वज़न के जो साहबजादे हैं। अभी अली कासिम गिलानी जो कि कारकुनान के साथ कासिम बाग के अंदर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ आग वगैरह लगा के रखी थी, सर्दी का मौसम था और वो सोच रहे थे कि ये कम अज़ कम जलसा तो 30 को है तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है 36 घंटे, तो उस दौरान जो है वो मीडिया के ऊपर एक बैठक जो है कम से कम सजी रहे। पीडीएम की क्यादत तो आपको पता है उस तरह से अब नजर नहीं आ रही। अच्छा, हुकूमत को अभी भी समझ नहीं आई। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी अगर हमें रोका गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। फिरदौस आशिकवान साहब आज पिंडी में आई और उन्होंने कहा कि हम कानून के जोर से इन्हें रोकेंगे, तो ये इन्हें चांस दे रहे हैं खेलने का। मेरा ख्याल है ये वो नुकता आगाज होता है माजी की भी, अगर तरीकों का जिक्र किया जाए ना, कि अपोजिशन की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अगर लोग इकट्ठे कर सकें या ना कर सकें, लेकिन उनके अंदर से कोई एक गिरफ्तारी अगर हो जाए तो उसके बाद ये नजर आता है कि शायद हुकूमत जो है वो कमजोर पड़ गई है। तो इस तरह की चीजें हमें नजर आई हैं माजी में भी। मुस्लिम लीग नवाज ने भी जो है वो पीटीआई के दौरान उनकी क्यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की, परवेज खटक को भी रोका इस्लामाबाद आते हुए, बाकी मामला इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी किया। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि शायद अपोजिशन को इस दफा जो कि पहले फेज में मौका दिया था, और सियासी तजिया निगार ये समझ रहे थे कि क्योंकि अपोजिशन लोग तो निकाल रही है लेकिन लोग निकलने का कतन ये मतलब नहीं है कि इमरान खान चला जाए और वो वापस आ जाए। लोगों को महंगाई का इशू है, बाकी सारी चीजें भी हैं, मोमेंटम जो है एक मिडिल क्लास से वो नहीं बना पा रही थी अपोजिशन। लेकिन अभी खैर इस हद तक आज के दिन तक कम से कम उन्होंने एक स्टेज जो है वो अपना लगा लिया है, सजा लिया है, जिसका उन्हें किसी हद तक फायदा हुआ है क्योंकि बिलावल भुट्टो कोरोना की वजह से क्वारंटाइन है, मरियम नवाज पे भी ताज़ा सानिया गुजरा है, तो वो भी अभी फिलहाल खामोश है। जैसे पीडीएम स्टार्ट हुई थी तो हम भी बात करते रहते थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये टूटती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी तक क्या लगा आपको? देखिए, उस किस्म की खबरें तो आई, आगाज तो हो गया है। वो देखिए कि पीटीएम के जो रहनुमा है मोहसिन दावड़, उनके पहले मौलाना फजल रहमान से कुछ इख्तलाफात की उनकी खबरें आईं। बहरहाल उससे ये हो गया कि मोहसिन दावड़ और पीटीएम के हवाले से ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ है ना, और उसके ऊपर जब मौलाना फजल रहमान के उनके साथ इख्तलाफात हुए और पहले खबरें आईं कि उस इजलास के अंदर दोनों के दरमियान को गर्मा गर्मी भी हुई, एक दूसरे को एजेंट कहा गया कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर मोहसिन दावड़ ने लातल्की का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा हम किसी भी किस्म के जो फंक्शन में है
वो उनके शरीक नहीं होंगे। फिर एक चीज और नजर आई कि मौलाना फजल रहमान को ये गिला रहा इजलास के अंदर कि बाकी जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया मोहसिन दावड़ के मुकाबले में। फिर एक चीज जो उन्होंने प्लान की हुई थी कि जो उन्होंने सबके साथ मिलकर करनी है लड़काना में, हमें यह नजर आया कि लड़काना में जब उन्होंने शो ऑफ पावर की तो बाकी जमातें नजर नहीं आई, हालांकि पीपल्स पार्टी का भी गढ़ है लड़काना, लड़काना में मौलाना फजल रहमान ने अच्छा शो किया और उन्होंने ये दिखाया कि बैक माइंड उनके भी ये चीज मौजूद थी कि मीडिया की वो डिस्कशन हो रही है, लोग ये बात कर रहे हैं कि 11 जमातें मिलके जो है वो किसी जगह वो मतलब अगर कहा जाए 25-30 हज़ार से ज्यादा का क्राउड कहीं वो इकट्ठा नहीं कर सकी बशमूल कराची, तो उनके ख्याल में था कि 50,000, 60,000, 70,00,000 बंदा है। लेकिन बहरहाल लड़काना के अंदर इर्द गिर्द के इलाकों से मौलाना ने अकेले एक अच्छा क्राउड जो इकट्ठा कर लिया और उन्होंने अपनी हद तक कम से कम ये बताया कि मैं जो हूँ वो क्राउड पुलर हूँ। उसके बाद फिर अपोजिशन को इस बात का भी एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं चलें अब जोर लगाते हैं कि मुल्तान में, क्योंकि नून लीग का जो है वो पंजाब में जोर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम थोड़ी कोशिश करते हैं ताकि मौलाना को ये मैसेज अच्छा, ये लगने रहा है स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं अब जरा, क्योंकि देख चुके हैं कि इनमें कितना तप्पड़ है, कितना दमखम है जो पिशावर में हुआ और जितने भी शो हुए इतना कोई खास नहीं था, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये हंगामा आराई करके एक वो देखिए आज उसका एक आगाज तो उसमें हुकूमत ने भी आज गलती कर ली है। कोशिश तो अपोजिशन की ऐसे मौकों पर यही होती है कि जब वो लोग नहीं निकाल पाती तो माजी में भी अपोजिशन यही करती रही कि कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई क्यादत गिरफ्तार हो जाए, कोई लोग उसके नतीजे में गुस्से में आ जाएं। लेकिन अब देखना ही होगा कि बड़े अरसे से लोग जो है वो दिल की भड़ास वो जो है वो टीवी चैनलों के ऊपर लोगों को सुन के देख के निकाल लेते हैं, घरों से नहीं निकलते। इसलिए मेरा अभी भी यही मौका है, मेरा अभी भी ये ख्याल है कि लोग जो है हुकूमत की इस गलती के बावजूद जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले। हाँ वक्त मिल जाएगा टीवी चैनल्स के ऊपर अपोजिशन हुकूमत को, अब एक तो ये कह दिया ना कि नहीं करना जी नहीं करना, तो कोई ऑप्शन भी कोई टेबल भी दे रही है अपोजिशन को? देखिए इसमें चौधरी शुजा से जो भी मुलाकात हुई है इमरान खान की वो इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान ने खासी देर से ये मुलाकात की है, मुलाकात पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चौधरी शुजात ने इमरान खान को ये बात की है, समझाया है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो है वो हालात आपके हक में साजगार हैं, आप कहीं भी नहीं जा रहे, आप खुद भी ये कहते रहते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर अगर आप पैनिक शो करेंगे तो थोड़ा सा ये जाहिर होगा अपोजिशन को या मीडिया के अंदर ये मैसेज जाएगा, शायद आप समझते हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा कि आप किसी तरह मुज़ाकरात का डोल डाल के किसी तरह से ये सारा मामला जो है वो सेनेट के इलेक्शन तक ले जाएं। अपोजिशन इस वक्त सिर्फ ये चाह रही है कि उसकी सुनी जाए, कोई उससे बात करे, तो उसमें आप जब दो चार पार्टी से रब्ता करेंगे तो रिफ्ट भी पैदा होगा। ये चौधरी शुजात जो कि एक आखिरी सीनियर सियासतदान जिन्हें मैं समझता हूँ बड़े वजादार सियासतदान हैं, उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक ये मशवरा दिया है इमरान खान को, और इमरान खान ने ये कहा है कि इस पर वो अपनी जो पार्टी की सीनियर क्यादत है शाह महमूद कुरैशी हो गए, परवेज खटक, ऐसे ही लोग हैं, बाकी ज्यादातर इमरान खान के जो नजदीक लोग हैं उसमें गैर संजीदा ऑप्शन दिया गया, तो आपको लगता है कि पीडीएम की जो क्यादत है वो मान जाएगी? पीडीएम की क्यादत क्योंकि इस वक्त जो है अभी फजल रहमान साहब के हाथ में है, तो फजल रहमान साहब तो नहीं मानेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से फिर दोबारा यही चौधरी शुजात से रिक्वेस्ट की गई है कि ऐसा अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो फिर आप ही वो होंगे माजी की तरह जो खेचे वो रब्ता करेंगे। तो फिर खैर चौधरी शुजात के कोर्ट में जब बाल जाती है तो फिर आपको पता है उस खानदान का, वो पहले भी उन्होंने मौलाना फजल रहमान को राजी करके भेजा दिया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राज साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। पीडीएम कल पंडाल सजाएगी मुल्तान में, हुकूमत वजिद है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल चौधरी शुजात ने अच्छा मशवरा दिया है, देखते हैं इमरान खान उस मशवरे पर अमल करते हैं नहीं। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।